हाय एवरीवन, लास्ट हमने पार्ट फोर कंप्लीट किया है। उसमें हमने पॉइंटर विद एरे किया था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एरे विद फंक्शंस, हाउ टू पास द एरे फंक्शंस। आपको आज ये करना है कि हम एरे को फंक्शंस में किस तरीके से पास करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। पास होल एरे इन द फंक्शंस मीन्स कि हमें क्या है, हमने एक एरे बनाना है। एरे को हम पास करेंगे किसी फंक्शंस के अंदर। तो जैसे हमने क्या करा, इंट एन, एन नाम से हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया। इसमें 20, 30, 23 ये कुछ वैल्यू हमने पास की हुई है। तो इसमें पर्टिकुलर हम एक वैल्यू को पास कर रहे हैं किसके अंदर, एक फंक्शंस के अंदर। डिस्प्ले नाम के फंक्शन को क्या करा हुआ है, कॉल किया हुआ है। डिस्प्ले फंक्शंस में हमने क्या करा है, जिसको कॉल किया हुआ उसके अंदर हमने एक वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। तो एरे के थ्रू जब वैल्यू पास करते हैं तो हमें यहाँ पे एरे का नाम, देन उसका हमें जो भी वैल्यू पास करनी है उसका इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से हमने जब इंडेक्स नंबर दिया, डिस्प्ले को कॉल किया, तो ये डायरेक्ट जंप होके यहाँ पे गया। तो जैसे डिस्प्ले के अंदर कॉल किया, जो भी हमने यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं, हम एरे के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू है वो पास हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ से वैल्यू पास हो जाएगी 23। तो एक को वैल्यू मिली 23, देन आपने प्रिंट किया तो ये आपको आउटपुट आ जाएगा 23। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमने वही प्रोग्राम सेम, हमने सिर्फ डिस्प्ले एंड टू करके क्या करा है, हमने एलिमेंट को कॉल किया हुआ है। जैसे इसमें हमने दिया तो ये वैल्यू हमारी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू इसमें पास हो गई, और देन हमने क्या करा, प्रिंट किया। इसे रन करते हैं तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 23। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम एरे के थ्रू वैल्यू को पास करते हैं इन द फंक्शंस के अंदर। तो जब भी एरे देते हैं तो हमें यहाँ पे एरे का हमें जो भी नाम है वो पास करना है, देन यहाँ पे इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड, पास एन इंटायर एरे। अभी हमने सिर्फ उसमें एक वैल्यू पास की थी, अब हमें पूरा एरे ही पास करना है, एरे की जितनी भी वैल्यू है। तो हमने एक यहाँ पे क्या है, मेन के अंदर हमने क्या करा है, एक फ्लोट बी नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एवरेज भी निकाल रहे हैं और उसका सम भी। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे फ्लॉट बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, एंड नाम से मतलब हमने एरे भी बनाया, वो भी फ्लॉट टाइप का, और बी नाम का एक वेरिएबल है। एरे के अंदर हमने सारी फ्लॉट वैल्यू पास कर दी, देन हमने क्या करा, बी इक्वल, क्योंकि हमने ये एवरेज इस फंक्शंस को क्या करा हुआ है, कॉल किया हुआ है, और इसके अंदर हमने अब क्या दिया है, सिर्फ यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर दिया, हमें पूरा ही एरे देना है। तो यहाँ पे हमें ये सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट है ये नहीं लगानी, सीधा उसका एरे का नाम दे दिया, और इसको जैसे ही कॉल किया ये डायरेक्ट होके कॉल होके कहाँ पे गया, जहाँ पे हमने फंक्शंस की बॉडी को डिफाइन किया हुआ है। जैसे इस फंक्शंस के अंदर बॉडी को डिफाइन किया हुआ है, इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमें साइज, ये जो फ्लॉट जब भी हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शंस की बॉडी को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमें एरे इस तरीके से देना होता है। तो जब हमने मेन के अंदर हमने क्या कर रखा था कि एक एन नाम का एरे बनाया, वैल्यू पास कर रखी है सारी, इनिशियलाइज की हुई है, और एवरेज फंक्शंस को कॉल किया, तो इसमें सिर्फ हमने एन दे दिया क्योंकि इससे हमें पूरा ही एरे देना है। बट जहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइंड होती है वहाँ पे सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट लगानी जरूरी होती है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लॉट ए, यहाँ पे हमने ये एरे जो भी है ये सारी वैल्यू को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। अब हमने क्या लिया है, int i, i नाम का एक वेरिएबल लिया क्योंकि हमें लूप को चलाना है, क्योंकि मुझे सारी वैल्यू को क्या करना है, एक्सेस करना है। हम चाहते हैं कि इस वाले मतलब मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शंस के, इसको हम फंक्शंस भी बोलते हैं, इसी को हम मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सारी जितने भी है उन जितनी वैल्यू है उनका हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे सारी वैल्यू को क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, एक्सेस करके उन सब का क्या करना होगा, सम। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक हमने एवरेज नाम का वेरिएबल लिया, एक हमने सम नाम का वेरिएबल लिया। सम की वैल्यू क्या है इनिशियलाइज की, जीरो। तो आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एट, और प्लस प्लस आई हमने प्री इंक्रीमेंट किया। तो हमने सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई, मतलब जीरो इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो सम में क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। एवरेज का सभी को पता होगा, एवरेज क्या होते हैं, टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाय जितनी भी मेरी वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, सम निकाल रहे हैं, सम के अंदर हमने क्या करा,
सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो है, जीरो मेरी एट से लेस है, हाँ कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो ए जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, ए जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 20.6, 20.6 प्लस सम प्लस, तो ये सम के अंदर सम की वैल्यू कितनी थी जीरो, जीरो प्लस 20.6 ये ऐड हो गई, फिर इसके बाद आई की वैल्यू कितनी हुई वन, वन के अंदर फिर क्या हो जाएगा कि एरे वन मतलब सम की वैल्यू क्या 20.6 प्लस 30.8 ये उसमें ऐड हो जाएगी, फिर इस तरीके से आई ये हमारे पास थ्री फोर फाइव सारी वैल्यू को क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और वो सम के अंदर कैलकुलेट जाएगी। फिर हमने क्या जैसे मेरी कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर निकल गया और एवरेज के अंदर हमने क्या करा जो मेरा टोटल सम निकल के आया कि एवरेज में क्या होता है टोटल डिवाइड बाय जितने हमारे पास वैल्यू है तो हमने जो भी हमारा सम आया उसको डिवाइड कर दिया एट से, देन हमने क्या करा रिटर्न कर दिया एवरेज क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा टाइप वॉइड नहीं लिया हमने लिया है फ्लोट तो हमें रिटर्न कराना होगा। फिर इस तरीके से ये रिटर्न होके एवरेज जो भी इसका निकल के आएगा वो एवरेज रिटर्न हो जाएगा जहाँ से कॉल हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ है यहाँ से, तो एवरेज की जो वैल्यू है वो किसके पास हो गई बी के अंदर, देन हमने प्रिंट कर दिया बी की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे 0.2f क्यों लिखा है क्योंकि मुझे एवरेज की जो भी वैल्यू उसके बाद पॉइंट के बाद दो डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो इन सब का हम सम करा और हमने एवरेज निकाला तो कितना आ गया 20.20। इस तरीके से हम पूरे एरे को पास करते हैं, इसमें एरे का साइज फिक्स था क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया था। अब इसी प्रोग्राम को हम यूजर की हेल्प से ये जो वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है हम यूजर से डलवाएंगे फिर उसका सम निकालेंगे देन एवरेज। तो हमने क्या करा है जब इसमें सपोज वी आर टेकिंग द साइज ऑफ द एरे फ्रॉम द यूजर, हम यहाँ पे एरे का साइज यूजर से डलवाएंगे, इन दैट केस द साइज ऑफ द एरे इज नॉट फिक्स, इस वाले केस में एरे का साइज क्या नहीं है फिक्स नहीं है, तो हेयर वी नीड हमें यहाँ पे जरूरत है हेयर वी नीड टू पास द साइज ऑफ एरे एज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। यहाँ पे हमें एरे का साइज जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट में देना होगा, जैसे हमने लिया इंट साइज यहाँ पे क्या ले रखा है एक वेरिएबल लिया है, पहले हम एंटर द हम एरे का साइज डलवा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा है एक बी नाम का वेरिएबल लिया है और एक हमने एरे लिया है, यहाँ पे हमने एरे का साइज डिक्लेयर नहीं करा, एरे का साइज किससे डलवाएंगे हम यूजर से, जैसे एरे जैसे हमने वहाँ पे किया था कि ये जैसे इनिशियलाइज की थी तो मतलब कितनी वैल्यू थी एट, बट अब इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं एरे का साइज यूजर से डलवा रहे हैं, उसके बाद जैसे वो यूजर डाल देगा तो एरे का साइज फिक्स हो जाएगा और उसमें हमने क्या करा है एवरेज को कॉल किया, जो हमने साइज दिया है वो हमें आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा, ये एन जो पास किया है ये क्या है एरे, हमने एरे किस नाम से बनाया एन, तो पहला आर्ग्यूमेंट में तो एरे का नेम कॉमा फिर यहाँ पे क्या है साइज जो आप यूजर से डलवा रहे हो, जैसे इसको कॉल करते हो ये डायरेक्ट जंप होके कहाँ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या है जैसे हमने वहाँ पे सिर्फ क्या दिया था एरे का नेम बट हमें यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट एक देना होगा साइज, तो वही सेम लॉजिक हमें एवरेज निकालना है और सम, तो हमने क्या करा है आई लेस देन आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन साइज ये कहाँ तक कब तक सम होता रहेगा जितना हमने एरे के अंदर वैल्यू डाली हुई है, वही सम क्या हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे इंडेक्स की सारी वैल्यू क्या होती रहेंगी सम, फिर बाद में जब टोटल सम आ जाएगा तो एवरेज निकल जाएगा सम डिवाइड बाय साइज, साइज क्या जितना भी हमने जितने भी एरे के अंदर वैल्यू होती है, इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। तो इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली कर लेते हैं, हमें इसमें सबसे पहले क्या करवा रहे हैं साइज, हमें इसमें साइज डलवाना होगा, सबसे पहले हमने क्या डलवाया एरे का साइज, मान लो हमें एरे में सिर्फ कितनी वैल्यू डलवानी है थ्री, मैंने एंटर किया, अब सबसे पहले इसमें हम तीन वैल्यू डलवा रहे हैं तो जीरो इंडेक्स पे मैंने वैल्यू डलवाई टू, इसमें डलवाई थ्री, मैंने डलवा दी फोर, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, एंटर। अब इसको क्या कर दिया जब हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होता है टोटल डिवाइड बाय जितनी वैल्यू, हमने वैल्यू कितनी डलवाई है 3, तो ये कितना है 9, 9 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास कितना आ गया एवरेज ऑफ द नंबर 3, तो एवरेज इस तरीके से निकलता है
हमें क्या करना होता है, जो मेरी इवेंट वैल्यू उन सबका सम डिवाइड बाय जितनी भी हमने वैल्यू डाली हुई है। मैंने ये क्या है 2-3 पॉइंट में नहीं डाली, बट हमारा पॉइंट में ये 3.00 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था फ्लोट वेरिएबल। सबसे पहले क्या करा, इस वाली लाइन से हमने, सबसे पहले इस वाली लाइन से हमने करा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने डाला यहाँ पे साइज, मैंने ये लाइन लिखी आ रही एंटर द साइज ऑफ द एरे। स्कैनअप से हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया साइज क्या 3, ये हमने डाला साइज 3। फिर इसके बाद क्या करा एन, तो हमारे पास एरे का साइज हो, एरे को हमने डिक्लेयर इस तरीके से, साइज कितना आ गया यहाँ पे एन 3। अब हम क्या कर सकते हैं, एरे का साइज हमने फिक्स कर दिया है, अब तो यूजर कितनी वैल्यू डाल सकता है 3। तो हमने, हमें एरे में अगर वैल्यू डलवानी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। तो हमने जे इक्वल टू 0, जे लेस देन साइज, जे प्लस प्लस। तो अब हमने क्या कर रखा है कि प्रिंट एफ करके यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करवाई, मतलब साइज की वैल्यू प्रिंट करवाई थी। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से जैसे हमने ये कर दिया, ये साइज वगैरह डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है कि हर एक इंडेक्स वाले, जैसे हमने कहा ना वैल्यू ऑफ एन परसेंटेज डी, तो ये 0 इंडेक्स की वैल्यू दिखाएगा, ये 1 इंडेक्स की वैल्यू डलवाएगा। ये इस तरीके से हमने इन सब इंडेक्स पे हमने क्या करा कि एन 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू डलवाई। ये काम हमने इनसे करा है, इस वाली लाइनों से। तो एन 0 इंडेक्स पे वैल्यू डलवा दी हमने, कितनी यहाँ पे मान लो हमने डलवा दी 2, फिर एन 1, 3, एन 2 पे हमने डलवा दी इस तरीके से 4। अब हमने क्या करा, ये एरे का एक तरीके से यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू डिक्लेयर हो चुकी है, एक एरे बना रखा था आपने 3 नाम से, और ये यूजर से वैल्यू डलवा दी, तो 2, 3 और 4, ये एक तरीके से हमारे पास एरे डिक्लेयर हो गया। अब हमने क्या करा, इस एवरेज को कॉल किया, एवरेज को जब कॉल किया तो हमने ये एन पूरा इसके अंदर पास कर दिया, साथ के साथ हमने साइज, क्योंकि जब हम साइज फिक्स नहीं होता तो हमें, जब साइज क्योंकि यूजर से डलवा रहे हैं तो हमें एज ए आर्ग्यूमेंट में साइज देना होता है, तो ये पूरी वैल्यू तो पास हो गई इस एन में और साइज दे दिया हमने 3। जैसे इसको कॉल किया तो ये डायरेक्ट जंप होके अब ये हमारा कहाँ गया, यहाँ पे। तो जैसे हमने इस ए की सारी ये पूरी 2, 3, 4 वैल्यू तो चली गई इस एरे के अंदर, और साइज हमने जो दिया था वो 3 पास हो गया। अब हमें जब क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इन सब पूरी वैल्यू का सम, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है जो मेरी वैल्यू उन सबका आपस में सम डिवाइड बाई जितनी वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि सम निकालने के लिए आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, साइज कितना है 3, तो जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक इनका सम होता रहेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि सम, सम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सम इसका मतलब है इस लाइन का सम प्लस ए आई, ए आई का मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, सम 0 है तो ए आई, आई मेरा 0 है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू कितनी थी 2, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर इसके बाद जब सम की वैल्यू 2 हो गई, फिर दोबारा आई मेरा हो गया 1, तो फिर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 2 प्लस इसकी वैल्यू हमारी 3 कितनी हो गई, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। फिर इसके बाद फिर आई मेरा 2 हो गया, तो सेकंड इंडेक्स पे उसे वैल्यू कितनी मिली 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो सम आई जैसे कितना हो गया 3 होगी, उनसे मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो ये आगे सम नहीं करेगा। अब क्या निकाला है, जैसे इसके बाद क्या, एवरेज इक्वल टू सम, तो सम कितना आया 2, 3, 5, 5 प्लस 4, 9, तो 9 और साइज कितना था 3, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास एवरेज की वैल्यू कितनी मिली 3, तो रिटर्न किस में कर दिया हमने, एवरेज में रिटर्न कितना कर देगा 3, जहाँ से कॉल हुआ ये वहीं पे क्या हो जाएगा, वहीं पे ये वैल्यू दे देगा। जैसे क्या हुआ, कहाँ से कॉल हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने क्या दिया, वी को वैल्यू दे दी इसने 3। तो जब हम एवरेज को जब प्रिंट करा रहे हैं, हमने लिखा है 0.2f, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे 3 आया था तो यहाँ पे क्या आ गया 3.2,
क्योंकि दो वैल्यू के लिए हमने 0.2f लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा ये 3.0। इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोग्राम कॉल हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम एवरेज को कॉल करते हैं और मतलब एरे को पास करते हैं फंक्शंस के अंदर, होल एरे। अगर साइज फिक्स नहीं होता एरे का और यूजर से डलवाते हैं, तो इस तरीके से हम वैल्यू को पास करते हैं। तो हमने इसमें प्रोग्राम में यही किया हुआ था। ये आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने ये वैल्यू को क्या करा है, एरे की वैल्यू को पास किया है फंक्शंस के अंदर, फिर उसका हमने सम करके उनका क्या निकाल दिया, एवरेज। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई होप अब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम एरे को पास करते हैं फंक्शंस के अंदर। प्लीज़ लाइक।